नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आप सभी मित्रों से के विशेष एक आग्रह पर, अनुरोध पर, हमने एक विशेष यहाँ पर बातचीत आज का लिया है, जिस पर हम यूपीपीसीएस प्री को, हम जो 14 मई को प्रस्तावित है, उसकी संपूर्ण तैयारी को हम 45 दिन में कैसे कर सकते हैं, उसकी रणनीति पर एक बृहद रूप से आपसे परिचर्चा करेंगे आज। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया, तो इस पर 45 दिन अब तो बचे हैं, इस 45 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो इस अगले 45 दिन में भी हम अगर सीरियस हैं तो हम पूरी अपनी संपूर्ण तैयारी को यूपीपीसीएस के कर सकते हैं प्री परीक्षा की। कई सारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे एक साल से, दो साल से, किसी कारण से उनका प्री किसी भी वजह से अगर एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, दस नंबर से रुक रहा हो, तो उनके लिए आज की यह क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम एक विशेष रणनीति तैयार करें, क्योंकि प्री परीक्षा पास करना, आप अक्सर सुने होंगे कहा जाता है अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने विभिन्न टीचर के द्वारा, कि प्री परीक्षा पास करना केवल और केवल ज्ञान का विषय नहीं है, हमको इसमें एक रणनीति की भी आवश्यकता पड़ती है, एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ती है। और आज की जो हम रणनीति आपसे जो परिचर्चा रखने वाले हैं, यह ऐसे नहीं है बल्कि पिछले 10 वर्ष के पूरे परीक्षा के ट्रेंड एनालिसिस को हमने ध्यान में रखा है, 10 वर्ष के पिछले जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, आए हैं पीसीएस प्री में, उनके प्रश्नों को ध्यान में रखा है, उसके आधार पर एक सफल रणनीति की बात करेंगे कि कैसे यहां पर हम करें तो हमारा काम हो सकता है। यह पूरी बातचीत जो हमारी है वह आपकी जो प्रस्तावित परीक्षा, अभी प्री परीक्षा होने वाली है, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2023 के लिए, जो जिसकी तिथि है, प्रस्तावित तिथि जो यहां पर है परीक्षा की, प्रस्तावित तिथि 14 मई को रखा गया है, 14 मई को है। अब 14 मई अभी से हमने टोटल दिनों को हटा दिया है, हमने केवल और केवल इस 14 मई के लिए, इस प्रस्तावित प्री परीक्षा की तैयारी के लिए, तैयारी का जो समय हमने यहां पर लिया है, तैयारी का जो बचा समय उसको हमने 45 दिन के आधार पर काउंट किया है कि 45 दिन में हम तैयारी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ाई जरूर कुछ न कुछ किया ही होगा, सभी विद्यार्थी करते ही रहते हैं पढ़ाई को, कि भाई पढ़ाई अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, मैं तो यह मान के चलता हूं कि सीरियस विद्यार्थी होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सीरियस होते ही है, क्योंकि इस परीक्षा का पूरा नेचर ही एक तरह से ऐसा है कि इसमें हमको पूरी चीजों पर एक रणनीतिक रूप से तैयारी करनी पड़ती है। अब इसमें सामान्य रूप से यह बात तो सबको पता है कि इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे प्री परीक्षा में यहां पर, इसके यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में दो प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है, इसलिए हम बता रहे हैं, आपको पता है, लेकिन तब भी हम, मान लीजिए कि कोई नया ही व्यक्ति है जो एकदम अभी चीजों को जानकारी नहीं है, वह भी करना चाहता है, तो उसको जीरो से लेकर पूरी अभी रणनीति यहां पर आपको समझ में आएगी। सामान्य अध्ययन का आप देखेंगे कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें अंकों का अधिभार जो है टोटल कितना है, 200 अंक है। कितने हैं, अगर हम कहें कि 200 अंक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150, टोटल अंक कितने होंगे, 200। दूसरा
दूसरा जो प्रश्न पत्र है, प्रथम हो गया द्वितीय, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, यह भी जो प्रश्न होगा, ये 100 प्रश्न इसमें आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और इसमें अंक होगा 200 अंक, 200 अंक माइनस मार्किंग, यहां पर निगेटिव जो मार्किंग है, मार्किंग वह कितने का है, 0.33% है। यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न पत्र है जिसमें जो सीसेट का पेपर है यह केवल क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग पेपर है, क्या है यह प्रश्न पत्र, क्वालिफाइंग है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मुख्य रूप से हमको फोकस किस पे होना है, सामान्य अध्ययन पर होना है, लेकिन सीसेट के भी कुछ चीजें हैं जिसको अगर हमको पढ़ना पढ़ ले तो अनिवार्य रूप से हम उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे उस पे जो पैरा वाले प्रश्न आते हैं, अभी उसकी चर्चा पहले हम सामान्य अध्ययन की कर लेते हैं कि सामान्य अध्ययन में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये पूरी रणनीतिक जो चर्चा हम कर रहे हैं, हमने कहा यह दो आधार पर है। पूरी रणनीति की अगर हम बात करें तो दो आधार पर हमने इसको रखा है बातचीत। किस आधार पर, पिछले 10 वर्षों के पेपर में पूछे गए प्रश्न के आधार पर पूरी चर्चा हमारी किस पे आधारित है, पिछले 10 वर्षों में के पेपर में पूछे गए प्रश्न के आधार पर। 10 वर्ष के हम प्रश्न को तो देखे हैं, लेकिन इसमें जो एक तरह से हम कहें कि 5 साल बाद 6 साल बाद अमूमन क्या है कि लोक सेवा आयोग अपने नियम को, अपने पैटर्न को लगातार बदल रहा है। अभी आप हाल फिलहाल में देखें कि अब ऑप्शनल खत्म हो गया तो अपनी परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव कर रहा है लगातार। इसीलिए यहां पर 10 वर्ष के पेपर में पूछे गए प्रश्न के आधार को तो हमने लिया है, लेकिन जो अगर हम कहें कि 5 वर्ष जो पिछले 5 वर्ष हैं, पिछले हैं, उनको मुख्य रूप से ध्यान में रखा है। अगर यह वीडियो आप देखेंगे पूरी वीडियो, तो आपकी पूरी तैयारी को एक धार मिल सकता है। अगर आपकी थोड़ी समस्याएं हैं तो वह खत्म हो सकती है, एक आपको मतलब सफलता दिलाने में बड़ा कारगर हो सकता है पूरा वीडियो। तो हमने कहा पिछले 10 वर्ष के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न के आधार को तो मैंने लिया है, लेकिन 5 वर्ष में उनके मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर पिछले 5 वर्ष में, उनको मुख्य रूप से हमने ध्यान में रखा है, पहली बात। दूसरा हमने कहा है कि एक तो पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न को हमने, जिसका ट्रेंड एनालिसिस, जिसको एक शब्द कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस, जिसको हम कहेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है। दूसरी बातचीत यहां पर हमने जो रखा है ध्यान में, वह रखा है कि जो विषयवार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, यहाँ पर एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये जो करंट अफेयर्स है, यूपी की जो बातचीत है, यूपी से जुड़े जो प्रश्न हैं, इन सब को किस रूप में आयोग पूछ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न का जो ट्रेंड एनालिसिस है, मतलब विषय के पैटर्न का भी ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया है। क्या किया है, तो विषय
जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं, सामान्य अध्ययन के विषय हैं, उनके ट्रेंड एनालिसिस को किया है। हमने क्या कहा कि पूरा यह रणनीति हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम पिछले 10 वर्ष के पीछे जो पूछे गए प्रश्न पत्र उनको हमने देखा पढ़ा, उसमें 5 वर्ष को हमने उनके प्रश्नों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा, मतलब एक तरह से पेपर और प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस, पेपर और प्रश्न का ट्रेंड एनालिसिस। दूसरा, उसमें जो पूछे गए विषय हैं, क्या विषय पूछे जाते हैं अभी चर्चा कर रहे हैं, उन विषय का अधिभार क्या हो सकता है, इन 150 प्रश्नों में क्या रेशियो रहा है ऑन एन एवरेज। कोई फिक्स रेशियो तो आयोग बताता नहीं कि हम साइंस से कितने प्रश्न पूछेंगे, हम भूगोल से कितने प्रश्न पूछेंगे, हम हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछेंगे, या तो हम पिछले प्रश्न पत्र के आधार पर ही कहते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं या कम महत्वपूर्ण है इससे कम प्रश्न पूछते हैं, या तो हम ट्रेंड एनालिसिस से ही तय करते हैं। तो अगर हम बातचीत करें यहां पर कि सामान्य अध्ययन का विषय वस्तु क्या है, सामान्य अध्ययन का विषय क्या क्या है, अब हम एक एक साल का ट्रेंड एनालिसिस करने के बजाय खास करके 10 वर्ष और मुख्य रूप से 5 वर्ष को एक ऑन एवरेज निकाल लिए कि इतना अगर हमने किसी साल मान लीजिए कि 2020 में हिस्ट्री से 25 प्रश्न पूछे गए, 21 में मान लीजिए 27 पूछे गए, मान लीजिए कि 22 में 23 प्रश्न पूछा गया, तो इसको हमने सब मिला करके कि एवरेज निकाल लिया, तो ऑन एवरेज इसको हम बोल रहे हैं कि औसत रूप से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है पिछले 5 वर्ष के अंदर, तो उसको यहां पर ध्यान में रखा गया है, रखा गया है। अब देखिएगा, जैसे पहला यहां पर सब्जेक्ट आया कि जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास है, इतिहास है, पिछले आप देखेंगे कि 5 वर्ष में, एक वर्ष हमने कहां से लिया है, मतलब 22, 21, 20, 19, ये पिछले 5 वर्ष जो यहां पे लिया है में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इतिहास विषय से, वह देखेंगे 25 प्रश्न से लेकर के 28 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं, 25 से 28 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम कहें ये औसत है, औसत प्रश्नों की संख्या, औसत प्रश्नों की संख्या, की संख्या, दूसरी बात क्या करें कि अब आ गया यहां पर भारत एवं विश्व का भूगोल, भूगोल, भारत एवं विश्व के भूगोल को अगर पर्यावरण को जोड़ देंगे तो इसका अंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि क्योंकि पिछले 5 वर्ष में यह ट्रेंड एनालिसिस बताता है कि पूरे भूगोल में अगर पर्यावरण को सम्मिलित कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आएगा। वैसे अभी भी अगर पर्यावरण को हटा दे तो हिस्ट्री का भार सबसे ज्यादा है, मतलब जीएस के प्रश्नों में, करंट वगैरह के तो उस सब मिला के तो वो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री के प्रश्न अभी भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस भारत एवं विश्व का भूगोल के साथ साथ पर्यावरण को जोड़ देंगे तो पर्यावरण के प्रश्न सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो अभी पर्यावरण को हटाने के बाद भारत एवं विश्व का भूगोल है उसका औसत हमने देखा है कि 15 से लेकर के 18 प्रश्नों का है, 15 से 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चूंकि यहीं पर हम पर्यावरण की भी बात करते चले, यहीं पर हम पर्यावरण की बात करते चले तो पर्यावरण से जो जुड़े प्रश्न बन रहे हैं, अब पर्यावरण के कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप भूगोल से विशुद्ध रूप से मान सकते हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप साइंस में भी रख सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन का कोई प्रश्न होगा तो साइंस का के टीचर या साइंस के विषय के लोग कहेंगे भाई तो साइंस से रिलेटेड है। तो पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें साइंस और भूगोल दोनों का एक तरह से महत्व है और दोनों से जुड़े हुए विषय वस्तु उसमें रखे जाते हैं।
तो पर्यावरण में अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के प्रश्नों को हमने जो ट्रेंड एनालिसिस किया है, यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि 20 से लेकर के 22 प्रश्न तक यहां से पूछे जा रहे हैं, 20 से 22 प्रश्न तक। ठीक, अब देखिएगा तीसरे नंबर पर अगर हम विज्ञान को रखें, सामान्य विज्ञान को, सामान्य विज्ञान को रखें, सामान्य विज्ञान को रखें, तो सामान्य विज्ञान से 25 से लेकर के यहां पर भी अगर हम कहें कि 22 से 25 प्रश्न तो गलत नहीं होगा, 22 से लेकर के 25 प्रश्न, 28 भी पूछा गया है, 28 भी पूछा गया है, 27 भी पूछा गया है, लेकिन 17 18 भी पूछा गया है। तो सब मिलाकर के हमने इसको टेंडर एक औसत हमने प्रश्नों की संख्या कितनी कही, 22 से 25 प्रश्न यहां पे बताया गया, 22 से 25 प्रश्न तो डायरेक्ट आपको मिलने वाले। अब विषय आता है, विषय आता है जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, संविधान एवं राज व्यवस्था, संविधान एवं राज व्यवस्था, संविधान एवं राज व्यवस्था, संविधान एवं राज व्यवस्था को देखिएगा। संविधान और राज व्यवस्था के जो प्रश्नों की संख्या है वह पिछले 5 वर्ष और 10 प्रश्न को, 10 वर्ष को अगर मैंने ध्यान में रखा, हमने कहा कि हमने एनालिसिस तो 10 वर्ष का किया है लेकिन पिछले 5 वर्ष पर मुख्य रूप से हम फोकस हैं, तो प्रश्नों की संख्या जो आएगी वह 12 से लेकर के 15 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 12 से 15 प्रश्न यहां पे आएंगे। अब इसके बाद एक विषय आता है जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का क्या यहां पर कितने प्रश्न रहेंगे? अर्थव्यवस्था के प्रश्न, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के जो प्रश्न आए हैं, जो कि इसके कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो करंट से रिलेटेड हैं, बजट से रिलेटेड हैं, आर्थिक सर्वे से रिलेटेड है, और इस पार्ट को भी आप कहां रखते हैं? करंट में भी रखते हैं। तो अगर हम करंट के प्रश्न जोड़ेंगे तो इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर करंट के प्रश्नों को हटा दे, जिसको हम मुख्य रूप से माने कि नहीं यह अर्थव्यवस्था का ही प्रश्न है, तो उसके प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे यह भी कितना आएगा, यहां पर 10 से लेकर के 12 प्रश्न आएंगे, 10 से लेकर के 12 प्रश्न आएंगे। अब अगर हम यहां पे इन प्रश्नों को काउंट करें तो आप देखेंगे कि 50 68 हो गया, 80 90, अब इसको पूरा जोड़ लेंगे तो लगभग 110-12 प्रश्न तक यहां पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 चीजें अभी बची हैं। अब बचता है करंट अफेयर, दूसरा उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष, और एक पार्ट बचता है जनसंख्या नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश विशेष और जनसंख्या नगरीकरण। अब कई बार हम प्रश्नों को छांटने में जब हम उसको देखते हैं पेपर को, तो एक समस्या हमको आती है कि जनसंख्या नगरीकरण वाला प्रश्न तो भूगोल में भी आ सकता है, भूगोल के विषय में भी पढ़ा जाता है जनसंख्या नगरीकरण को। तो जनसंख्या नगरीकरण को हम भूगोल का माने कि अलग से माने? हम अलग से मान रहे हैं, हम इस भूगोल में इसको नहीं रख रहे हैं, हम जनसंख्या नगरीकरण के प्रश्न को अलग से ले रहे हैं, क्योंकि यह तो 24 घंटे की तैयारी है कि सारे प्रश्न आप सही करेंगे। करंट अफेयर, अब देखेंगे करंट अफेयर जो एक तरह से हम कहें कि मुख्य रूप से करंट जिसको हम कहते हैं, करंट में भी 2 प्रकार के करंट आएंगे, एक जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स की घटनाएं होंगी, दूसरा उत्तर प्रदेश से जुड़ी भी घटनाएं होंगी। तो उत्तर प्रदेश की घटनाओं को हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में रख रहे हैं, करंट की घटनाओं को यहां पर अगर हम कहें तो ये 25 से 30 प्रश्न तक जा सकता है, 25 से 30 प्रश्न तक जा सकता है। दूसरा अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल को करें तो पिछले कुछ साल में ऐसी भी स्थिति रही कि उत्तर प्रदेश से प्रश्न ही नहीं पूछे गए, जिसके कारण से बहुत विवाद भी रहा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को पूछा जाना चाहिए।
अब पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम यहां पर कितना रख रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न रख रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न औसत। और भी हम ज्यादा इसलिए रख रहे हैं, ज्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब जो अब चूंकि ऑप्शनल खत्म हुआ है, मेंस में भी क्या होगा, अब यूपी के 2 नए पेपर जुड़े हैं, इसलिए 7-8 प्रश्न हो सकता है। दूसरा, जनसंख्या नगरीकरण के जो प्रश्न हो सकते हैं वह 5 से 6 प्रश्न हो सकते हैं। ये पूरा ट्रेंड हमने एनालिसिस किया। हमने कहा कि भारतीय इतिहास से पिछले हमने 5.5 वर्ष को ही ध्यान में रखा है, औसत 25 से 28 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछा जा रहा है। पर्यावरण से 20 से 22 प्रश्न पूछा जा रहा है। सामान्य विज्ञान से 22 से 25 प्रश्न पूछा जा रहा है। संविधान एवं राजव्यवस्था से 12 से 15 प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्थव्यवस्था से 10 से 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स 25 से 30 प्रश्न तक पूरे आ जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष 7 से 8 प्रश्न है और जनसंख्या नगरीकरण 5 से 6 प्रश्न है। ये पूरी पूरी क्या है, स्थिति है हमारे जीएस के प्रश्न पत्र की, जीएस के प्रश्न पत्र की। यह तो हुआ ट्रेंड एनालिसिस, या जो हमने क्या किया, पेपर का ट्रेंड एनालिसिस किया, पेपर का ट्रेंड एनालिसिस किया, पेपर का ट्रेंड एनालिसिस किया। अब इस एनालिसिस करने से हमको कई बातें क्लियर हुई। अब हमने कहा कि 45 दिन में हमें पूरे चीजों को इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 150 में से 100 प्रश्न एग्जैक्ट सही कर पाना, मिनिमम 100 प्रश्न माइनस मार्किंग वगैरह हटा के सही होना। 100 प्रश्न की बात हम कर रहे हैं, हमारे 100 प्रश्न अगर सही हो जाए, हमारा लक्ष्य थोड़ा, मैं ज्यादा लक्ष्य रख रहा हूं, मेरिट तो इससे नीचे जाएगी। कई लोगों को होगा कि सर तो ज्यादा लक्ष्य बता रहे हैं, कठिन, क्योंकि हम अपने आप मेरिट को, अगर हम 100 प्रश्न सही करके आते हैं, मतलब माइनस मार्किंग को हटाने के बाद, तो हमारा सफलता प्री परीक्षा में सुनिश्चित है। अब हो सकता है कि 95 पे ही सब सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 100 प्रश्न अगर आप करके आएंगे तो 100% आप सेफ हैं, तो 100% आप क्या हैं, सेफ हैं, कोई दुविधा नहीं होगी। अब इसको हमको तैयार कैसे करना है, अब टॉपिक वाइज तो भी एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कि किस टॉपिक को हम पढ़ें, तो उसके लिए हम वह बात सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर छोड़ते हैं कि हिस्ट्री के फैकल्टी वा उसको आपको डिटेल में बताएंगे और पूरी चीज़ों को बताएंगे। हम बताने को वहाँ भी कताएं तो ये 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक एक टॉपिक का एनालिसिस भी मेरे पास है कि एक टॉपिक से प्रश्न कितने बने हैं और कब कब बने हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा बने हैं। साइंस का तो मैं बता ही सकता हूं, उसके अलावा भी मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस है कि किस विषय से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं और कब कब बने हैं, किससे ज्यादा बनते हैं, किससे कम बने हैं। लेकिन अगर हम एक 45 दिन की अपनी रणनीति तैयार करें कि जिसमें हमको मुख्य रूप से फोकस किस पे करें, देखिएगा हम हिस्ट्री के पर यहां पर ध्यान दें। अगर हमने देखिएगा बड़े बड़े पोर्शन में, एक तो हमने कहा कि अब यहां पर हमारी रणनीति में थोड़ा सा हम स्लाइड बदलेंगे इसकी, हमने कहा कि अगर हम ध्यान दें कि हम भारतीय इतिहास विज्ञान सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान कभी कभी 1-2 प्रश्न जो तकनीकी खंड से पूछा जाएगा उसको मैंने करंट को दे दिया है, करंट में वो प्रश्न आएगा, वह तो हम कराएंगे भी अपने में भी, लेकिन वो करंट का ही हिस्सा मैंने माना है। हमने जो 25 से 30 प्रश्न करंट का ये रखा है यहाँ पर, इसमें हमने जो यहाँ पर 25 से आप देखेंगे करंट का हमने यहाँ 30 प्रश्न रखा है, इसमें तकनीक करंट से जुड़े क्या होंगे, इसमें बजट से जुड़े करंट, इसमें खेल कूद से जुड़े करंट, इसमें आप देखेंगे पुरस्कार से जुड़े करंट, इसमें कोई नया चीज़, कोई हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहा उससे जुड़ा करंट, कोई नए मुद्दे हैं उससे जुड़ा करंट, बजट से जुड़ा कोई करंट, तो कोई भी करंट अफेयर्स को तो सबको मानते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पूरी चीजों को, तो हमने जो तकनीकी वाले करंट है उसको भी इसी में रखा है 25 से 30 प्रश्नों के अंदर। तो अगर हम इस सामान्य विज्ञान को अच्छे से तैयार कर ले, सामान्य विज्ञान को तैयार कर ले, भारतीय इतिहास को तैयार कर ले, साथ में करंट अफेयर को अच्छे से कर ले,
इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पर्यावरण जो सबसे ऊपर है, पर्यावरण के प्रश्नों को तैयार कर लें। साथ में अब कैसे तैयार कर सकते हैं इसमें पर्यावरण, इसके अलावा भूगोल के प्रश्न, साथ में संविधान एवं राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अब हमने क्या किया कि हमने अभी तक करंट में जो बातचीत, हमने कहा कि करंट कैसे तैयार करेंगे, करंट में तीन प्रकार के करंट के मुद्दे होंगे। इस 45 दिन के अंदर हमको इसको क्या करना है, प्रत्येक दिन एक घंटा, प्रत्येक दिन एक घंटा हमको करंट को देना है। हमको क्या करना है, एक घंटा हमको जो बचा है रोज एक घंटा, क्योंकि यहां से हमको प्रश्न कितने मिल रहे हैं देखिएगा, यहां से प्रश्न हमको मिल रहे हैं कि 25 से 30 दिन मिल रहे हैं। तो अगले यहां पर हम कहें कि अभी शुरू के 30 दिन तक रोज एक घंटा हमको करंट को देने हैं। सब बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं हमारी गणित में, कि करंट अफेयर को अभी 45 दिन में शुरुआती 30 दिन, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन और तीसवां दिन तक रोज एक घंटा करंट को देना है। कैसे देना है कि इस करंट के अंदर हमको पिछले 8 महीने के करंट, अब करंट को एक दिन का तो पूछा नहीं जाएगा, पिछले 8 महीने का करंट हमको ध्यान में रखना, पूछने को कभी कभी 1 साल का भी पूछ लेता है, तो हम उन पर बात नहीं करेंगे कि रेयर में 1 साल का पूछ लिया वो हमारा सही हुआ गलत हुआ, तो उस पर हमको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हमको अभी 50% गलत होने के लिए मैंने छोड़ा है, 100% की रणनीति है या पूरी 50% तो हम कहीं नहीं रहे कि आप सही करिए, हम कहीं नहीं रहे, 100% सही करना है। तो हमने कहा कि 8 महीने तक हमने एक घंटा, 8 महीने के करंट के लिए हमने 30 दिन शुरुआती एक घंटा क्या किया है इसको दिया है, केवल हमने 30 दिन किया, 15 दिन अभी हमारे पास बचा है, इसका मतलब 15 दिन अभी हमने बात नहीं किया है, और जो 15 दिन लास्ट में बचेगा, 30 के बाद 45 दिन की बात हो रही है, 15 दिन जो लास्ट बचेगा उस 15 दिन में हमको क्या करना है, 15 दिन में 2 घंटे देना है, 15 दिन क्या करना है, 2 घंटे देना है, मतलब 30 घंटा इधर हमने दिया है और 30 घंटा इधर दिया है, हमारे पास घंटे कितने हैं करंट को तैयार करने के लिए, 60 घंटे हैं, और 60 घंटे में हमने 8 महीने के करंट को रिवाइज करना है। क्या है, अब हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, जो उत्कर्ष भी अभी कराने वाला है तो उससे भी करेंगे। तो हमने क्या कहा कि 30 दिन तक लगातार 1-1 घंटे करंट, 45 दिन कल से काउंट करिए, 30 दिन तक 1-1 घंटा रोज करना है, और पिछले महीने से चलना है। मतलब क्या है, करंट हमको कैसे रिवाइज करना है कि जैसे 8 महीना पीछे, किससे 8 महीना पीछे, चूंकि 14 मई को पेपर है तो मई के पीछे 8 महीना हमको जाना है, मई के पीछे काउंट कहां करेंगे, अप्रैल से करेंगे, मार्च से करेंगे, फरवरी के बाद जनवरी के पहले आएगा दिसंबर के पहले आएगा नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, यहां तक पीछे ऐसे काउंट करेंगे, तो पहले हम अगस्त सितंबर का करंट तैयार करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे 30 दिन तक लगातार, और उसके बाद क्या करेंगे 30 दिन जब हम 1-1 महीना ऐसे पढ़ते जाएंगे, और लास्ट में जो हमारा हो सकता है कि हम पूरे करंट 8 महीने के यहां पर रिवाइज कर ले, हमें नहीं करें कि 1-1 बार करंट को पढ़ते जाएंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे, और अंतिम 15 दिन तक 2-2 घंटे इसको करना है। भारतीय इतिहास को क्या करना है, 45 दिन तक रोज 1 घंटे देना है, रोज 1 घंटा देना, भाई अंतिम समय है 45 दिन में, हम तो यहां परीक्षा में 8-10 घंटे का समय तो हमको देना ही पड़ता है, तो 45 दिन तक हमको 1-1 घंटे देना है। अब इस 45 दिन के अंदर, वैसे हिस्ट्री के सर और बढ़िया बताएंगे अपने विषय के बारे में, लेकिन मैंने जो अपना समझा है अपने कंपटीशन से लेकर के आज के 13 साल के अपने कैरियर के अंदर कि कैसे परीक्षा को पास किया जाएगा, तो 1-1 घंटा अगर आपने क्या किया है, अब इस 1 घंटे में आपको क्या करना है कि शुरुआती जो हमने कहा कि 45 दिन करना है, तो इसमें शुरुआत में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है और उसके प्रश्न को, प्रश्न के आधार पर हमको चलना है, रिवीजन करना है, पूरी हिस्ट्री A to Z नहीं पढ़नी है हमको, जैसे
हमको देखना कि हड़प्पा से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नों का अभ्यास करना है और वह प्रश्न कैसे होने चाहिए जैसे पीसीएस के प्रश्न के स्टैंडर्ड के आधार पर है, तो उसको हम कर सकते हैं। तो एक घंटा रोज 45 दिन तक करना है, 45 दिन तक करना, अंतिम दिन करना है। हाँ, अब अंतिम दिन तो उसकी बात अलग से वीडियो एक बनाएंगे, अंतिम दिन में कैसे पढ़ना चाहिए इतिहास को, तो इतिहास में हम फोकस हो जाएंगे कि भाई संविधान सभा से बातचीत कर ले कि क्या कहां से हमको मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्या आंदोलन पूछे जाते हैं, उसके मुख्य मुख्य पॉइंट को उस समय देखेंगे, पूरे को नहीं देखेंगे। तो ये हाँ करेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए भी हमको क्या रणनीति है कि एक घंटा हमको, क्योंकि यहां से भी आपको क्या करना है, एक घंटा इसको आप 40 दिन तक करेंगे, 40 दिन करेंगे, अंतिम 5 दिन साइंस और कोई के लिए नहीं रखना है, केवल अंतिम 5 दिन में हमको यूपी स्पेशल घटना जो हमको वो रखने हैं, क्या नाम है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या नगरीकरण, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, इसको रिवाइज करना है। 40 दिन तक हमको क्या करना है, 45 दिनों में 40 दिन ही हमको केवल सामान्य विज्ञान पढ़ना है, एक एक घंटा रोज और प्रश्नों के माध्यम से ही रिविजन करना है, जिसमें से इस 40 घंटे में से हमको 20 घंटे बायोलॉजी को देना है, बायोलॉजी को देना है, और 20 घंटे में से जो बचे इसमें से लगभग हमको 14 घंटे देने हैं फिजिक्स को, फिजिक्स को देना है, और 6 घंटे इसमें देना है केमिस्ट्री को। इस तरह से हम डिवीजन इसका करेंगे। अब पर्यावरण के लिए भी हमको क्या करना है, एक घंटा रोज इसका हमको अभ्यास करना है सारे टॉपिक का, प्रश्न के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। भूगोल इसी प्रकार से एक घंटा, एक घंटा ये भी 40 दिन करना है, ये भी 40 दिन करना है। इस 45 दिन में हम विषय को कितने दिन रखेंगे, संविधान और राजव्यवस्था को क्या करना है, केवल 20 दिन करना है, 20 दिन करना है, प्रश्न भी संख्या कम है। अर्थव्यवस्था को कितना दिन करना है, केवल 15 दिन करना है, केवल 15 दिन करना है। 45 दिनों में अब जो समय बचेगा वो क्या करेंगे, अभी देखिएगा हमारे पास घंटे ही कितना हुए, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7 7 घंटे हुए, बहुत ज्यादा घंटे हम नहीं जा रहे हैं। अब हमने कहा कि अब यहां पर इतनी चीजें हो गई। अब कई बार आप देखेंगे कि जो पूरे पेपर के अंदर जीके के कुछ प्रश्न बनते हैं, यूपी पीसीएस के अंदर जीके जैसे प्रश्न बनते हैं, तो 5 दिन के अंदर यहां पर क्या करना है हमको, जैसे यहां पर 20 दिन तक आपने राजव्यवस्था पढ़ी या यहां पर 15 दिन तक आपने पढ़ा, तो इस 15 दिन के बाद 5 दिन यहीं पर हमको क्या करना है, 5 दिन जीके को तैयार कर लेना है। 5 दिन बहुत होता है जीके को पढ़ने के लिए, लूसेंट से कोई भी जीके की किताब होगी उससे आप उसको दोहरा सकते हैं, या आप देखेंगे घटना चक्र में भी जो बार बार उसको अभ्यास के लिए दिया जाता है उसको भी आप कर सकते हैं कि जो जीके वाला पार्ट है जो बार बार पूछता है, जीके तो बदलता नहीं कि सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ऐसे कुछ जो प्रश्न बन जाते हैं किसी भी विषय से रिलेटेड, उसको हमको पढ़ लेना है। तो हमारी रणनीति क्या हुई, हमने कहा कि शुरू में हमको क्या करना है, करंट अफेयर एक घंटा रोज पढ़ना है 30 दिन तक, 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लास्ट के दो जो 15 दिन बचेंगे उस पेपर के 15 दिन पहले 2-2 घंटा करंट अफेयर्स को कर देना है, 2-2 घंटा कर देना है करंट अफेयर्स को। बाकी जब लास्ट यहां पर इसके बाद भारतीय इतिहास 1 घंटा 45 दिन तक रोज पढ़ना है, बहुत बड़ा सिलेबस है। सामान्य विज्ञान 1 घंटा 40 दिन तक पढ़ना कि 22 से 25 प्रश्न आपको दे रहा है, थोड़ा सा टिपिकल भी है इसलिए नहीं कि मैं इसमें इतने घंटे बता रहा हूं, क्योंकि कई चीजों को समझने में ज्यादातर लोग आर्ट स्ट्रीम के होते हैं तो इसलिए 40 दिन का समय यहां पर रख रहे हैं। चाहे तो इस 40 दिन के बाद जो 5 दिन हम एकदम आपको खाली रखना चाह रहे हैं, केवल इतिहास वगैरह का रिविजन करवा रहे हैं, बाकी और किसी चीज का रिविजन नहीं करा रहे हैं। तो 5 दिन में हम क्या करेंगे, लास्ट के 5 दिन क्या करेंगे, अंतिम 5 दिन में हमको 8 महीने का करंट रिवाइज करना है। 8 महीने का जो करंट, तब तक आप देखेंगे कि रोज 1 घंटे आप पढ़ रहे हैं, लास्ट के 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 60 घंटे तो आप करंट पहले ही पढ़ चुके हैं, और 60 घंटा मैं मानता हूं, अपनी स्पीड को देखा हूं, मैं खुद तैयारी करके इस बात को समझा हूं कि 60 घंटे में पूरे 8 महीने के करंट को आप 2 बार कम से कम कर सकते हैं, कम से कम 2 बार कर सकते हैं, उसको कर लेंगे 2 बार। और लास्ट में जो 5 दिन यहां पर हमारा बचा है, इस 5 दिन में, 5 दिन जो यहां पे 8 महीने का करंट, हम 4 घंटे इसी को देंगे, मतलब 8 दिन जो 5 दिन लास्ट का बचा है उसका 4 घंटा हम किसको दे रहे हैं,
हमने 8 महीने के करंट को रिवाइज करने के लिए दिया 5 दिन के अंदर। दूसरा हमने 2 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया यहां पर यूपी स्पेशल को, यूपी स्पेशल को, और प्लस यहीं पर जनसंख्या नगरीकरण को, जनसंख्या नगरीकरण को 5 दिन, मतलब 10 घंटा हमने समय दिया है लास्ट के 5 दिन में। पहले तो हमने दिया ही है उसको समय, लास्ट में समय दिया है कितना, 2 घंटा, 2 घंटा रोज 5 दिन में, मतलब 10 घंटे के अंदर यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण को रिवाइज करेंगे, नगरीकरण को करेंगे, ठीक। और जो समय उसके बाद बचता है उन 5 दिन में, क्योंकि 4 घंटा तो यहीं पे आपने दे दिया, 2 घंटा ये बचा, और लास्ट में तो मुझे मानता हूं कि लोग 10-10 घंटे तैयारी करते ही हैं, 10-10 घंटे तैयारी करते हैं, तो जो 4 घंटा बचेगा उसमें वह सभी विषय जो जीएस के हैं, सीसेट, अभी हमने सीसेट को इसके अलग रखा है, सीसेट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसके लिए आधा आधा घंटा 30-30, 40-40 मिनट आप समय रोज भी दे सकते हैं, या लास्ट के 15 दिन समय देंगे तब भी हो जाएगा। लास्ट के 15 दिन 2-2 घंटा समय दे दीजिए, या अभी से 1 घंटा आधा घंटा देते रहिए, तो अलग से वो समय निकालना पड़ेगा। अभी हमने यहां पर केवल जीएस की पूरी रणनीति आपको बताई है, क्योंकि यह मेन पेपर होता है, वह क्वालिफाइंग होता है। तो जो 4 घंटा यहां पर, 4-2-6, मैं 10 घंटे का मान रहा हूं तैयारी, अगर आपका लास्ट 5 दिन में तो 10 घंटा पढ़ ही सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं, तो 4 घंटे के लिए क्या करना चाहिए, उस 4 घंटे में हमको जो जीएस के कोर विषय हैं उनके जो मुख्य पॉइंट्स, जो आप 60 नोट तैयार करते हैं उसको आपको रिवाइज करना होता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का एक मुख्य नोट्स होना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से बार बार कहता हूं कि एक मुख्य नोट्स होना चाहिए, और एक हमारे पास 60 नोट्स होना चाहिए, 60 नोट्स होना चाहिए। उस 60 नोट के माध्यम से, 60 नोट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने सेल चैप्टर पढ़ा, और हमने मुख्य नोट्स में उस सेल चैप्टर को 20 पेज में करवाया, 15 पेज में करवाया, पूरा उसका चित्र डायग्राम बना के हमने पूरा समझने के लिए 20 पेज का जगह लिया है। अब हमारे पास पूरे सेल का एक नोट्स ऐसा भी होना चाहिए जो केवल एक पेज का हो, एक पेज का होगा, कर सकते हैं आप? तो जो लोग मान लीजिए अभी तो 45 दिन की रणनीति में या नहीं आएगा, अभी तो आप नहीं बनाए होंगे तो आप नहीं बना सकते, तो ये तो अगले वाले के लिए होगा कि जिनको 24 का देना होगा, 24 का प्री देना होगा, उनके लिए होगा, उनके लिए इसके लिए पूरा 1 साल का समय चाहिए कि हम पूरा प्रॉपर उसको पढ़ते जाएं, पहले उसका एक डेप्थ में पूरी नोट्स बनाएं, फिर उसका एक शार्ट हम पढ़कर निकाल लें कि क्या क्या इसमें आवश्यक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और हमको भूल जाता है, तो जो चीज भूल जाता है उसी को इसमें रखना है, तो एक एक पेज करेंगे। इसी प्रकार एक एक टॉपिक का एक एक पेज में हम बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए किसी भी पेपर में हमारे पास 30 टॉपिक है तो 30 पेज का नोट्स एक हमारे पास तैयार हो जाएगा। किसी के पास मान लीजिए ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में 50 पेज का है तो 50 मतलब टॉपिक है तो 50 टॉपिक हो सकता है वो भी 40 में ही हो जाए, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो इस प्रकार से एक 60 नोट भी हम बनाएंगे। तो ये 45 दिन आप पूरे रिविजन को मुख्य रूप से फोकस रखेंगे, और जो हमने पूरी रणनीति यहाँ पर समझाई है उसके आधार पर अपनी तैयारी को आप करेंगे। और उत्कर्ष, इसीलिए UPPCS उत्कर्ष चैनल पर इस प्रकार का एक प्रोग्राम इसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया है, और ये पूरी जो हमारी रिसर्च विंग है जिन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, इसमें सभी फैकल्टी मेंबर अपने अपने विषय के जो हैं, और साथ में हमारे जो कंटेंट में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वह लोग कई बार मेंस इंटरव्यू भी लगातार दे रहे हैं, वह भी लगातार परीक्षा पैटर्न में बने हैं, उनको भी उसमें रखा गया है। तो फैकल्टी मेंबर जो कंटेंट राइटर वह जो लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, और कुछ विद्यार्थियों के फीडबैक पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर पूरा यह हम प्रोग्राम आपके बीच में लाए हैं। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे कि हम इस 45 दिन को ही टारगेट किए हैं कि कैसे हम एक सटीक तैयारी यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहेगा, किसी टॉपिक में हम सीसेट को भी अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं 60 में यहां पर बताऊंगा कि सीसेट अगर आप लास्ट के 15 दिन 2-2 घंटे भी करेंगे तो क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी हम केवल यहां पर जीएस की बात किए हैं, सामान्य अध्ययन की बात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो कही गई बातें हैं या वीडियो है आपको एक तरह से दिशा देने के लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।